हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों, आज हमारे पास है सैमसंग के तरफ से आने वाला एक वॉशिंग मशीन और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं करूंगा इसका अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ एक छोटा सा रिव्यू आपको करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि 10,000 के अंदर आने वाला क्या ये वॉशिंग मशीन वर्थ बाइंग होगा या फिर नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, आप में से कई लोगों के डाउट होते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्ट अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं, इन केस ये टूटा फूटा आ जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ऑनलाइन खरीदना चाहिए या वाकई में जाकर के कोई शॉपकीपर से खरीदना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसी प्राइस सेगमेंट में आपको LG और वर्लपूल के भी एक और वॉशिंग मशीन आते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि 10,000 के अंदर क्या इसी को आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो हमेशा की तरह लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो ये है दोस्तों इसका बॉक्स जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग ये सब की गई है। और लेफ्ट साइड की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ई कार्ट से ये मुझे पार्सल मिला है और प्रीपेड मैंने ऑर्डर किया था। इसके साथ साथ दोस्तों प्रोडक्ट डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि सैमसंग का 7.2 kg का सेमी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन ये हमें मिला है और MRP की बात करते हैं तो लगभग 13,000 के आसपास इसका MRP है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इनवॉइस हमें मिला है। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो मैंने पर्सनली इसे 10,000 के आसपास में मंगवाया है। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का आप इस्तेमाल करना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ और प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वालिटी को चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ डैमेज ना हो और उसके बाद आपको जल्दी से बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, आपने देख लिया अनबॉक्सिंग, मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा जल्दी हमने किया और ओवरऑल दोस्तों मैंने सब चीज़ों को चेक कर लिया तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी कोई क्रैक देखने को नहीं मिला। अब जैसा कि मैंने इनके कस्टमर केयर से बात किया था, मतलब फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात किया था, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि इन केस अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ जब भी आप अनबॉक्सिंग करते हैं तो एक छोटा सा उसका क्लिप बना लो, इन केस कहीं भी टूटा फूटा आता है तो आप हमें उस क्लिप को दिखा सकते हैं और आपको 10 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी देखने को मिलता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट से मंगाते हैं तो आप बिल्कुल मत घबराओ दोस्तों, डेफिनेटली आप मंगा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ग्रूव्स टाइप के स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये जो प्लास्टिक का क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़े से नज़दीक ले जा करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मैं आपको मूव करके दिखाऊँ तो यहाँ पर वाटर इनलेट का सॉकेट मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के कंट्रोल बटन्स मिलते हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर स्पिन और ड्रायर के बास्केट मिल जाते हैं और फाइनली जहाँ पर हमें अपने कपड़े को डालना होता है वॉश टब, ये हमें मिल जाता है। और यहीं पर अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ड्रेन के आउटलेट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वायर की लेंथ लगभग 2 मीटर के आसपास है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा लेंथ से वायर आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर सॉकेट को होल्ड करने का भी ग्रिप बनाया गया है जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मॉडल नंबर्स और भी जितने डिटेल्स होते हैं सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लोअर साइड पे यहाँ पर व्हील्स लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपको मिलता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पानी और कपड़े ये सब डालते हो तो बहुत हैवी हो जाता है, तो अगर आपको इधर से उधर करना है तो ये काफ़ी आपका हेल्प करेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सीलिंग्स काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है तो अगर आपको डर है कि चूहा ये सब जा सकता है तो मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। अब आइए दोस्तों, मैं आपको सारे कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बता देता हूँ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारा वॉश टब लीड, ये हमें पर्पल कलर का मिला है दोस्तों। साथ ही साथ यहां पर लाइनिंग्स जो आप देख रहे हैं ये आपके कपड़ों को काफी आसानी से धो पाएगा और बेसिकली अगर आपके कॉलर ये सब पे दाग है तो इसे आप आसानी से धो सकते हैं और यहां पर एक होल भी किया हुआ है तो यहां पर से जो भी सर्फ का पानी है वो आसानी से वॉश टब के अंदर चला जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको इंस्टॉलेशन के लिए एक गाइड मिलता है जहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके वॉशिंग मशीन का है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सेफ्टी कवर आपको देखने को मिलता है जो कि हमें ड्रायर के जो बास्केट होता है स्पिन बास्केट उसके अंदर लगाना होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना होता है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं 2 अलग-अलग पाइप्स मिलते हैं, तो जो पहला पाइप है वो वाटर इनलेट पाइप है जिसका एक एंड दोस्तों आपको वॉशिंग मशीन के अंदर यहां पर लगाना है कुछ इस तरीके से और सेकेंड एंड जो आपको मिलता है वो आपको अपने टैप के अंदर लगा देना है आसानी से ताकि ये आप
आपका पानी आसानी से इसके अंदर चला जाए। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पाइप आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज पाइप है, तो पहला एंड आपको आउटलेट में रखना है यानी कि जहाँ पर भी आप पानी निकालना चाहते हैं, और सेकेंड एंड जो आपको दिख रहा है वो आपको वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड लगाना है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पल्सेटर मिल रहा है जो कि रोटेट करता है, और अगर मैं आपको अच्छे से रोटेट करके दिखाऊँ साउंड सुनाऊँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको लिंट फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपके कपड़े में थोड़े मोड़े हेयर्स हैं तो वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे और आप इसे नीचे की तरफ पुश करके आसानी से निकाल सकते हैं और बाद में इसे धो भी सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिकॉशन जो भी लेना है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो वो आप पढ़ लेना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको वॉश का सेलेक्टर ऑप्शन मिलता है, तो यानी कि अगर आपको पानी को वॉश टब में अगर डालना है तो यहाँ पर से आप स्लाइड कर सकते हैं, और अगर आपको स्पिन टब में डालना है तो यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर से आपने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाटर इनलेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया आपको लगाना होता है। साथ ही साथ दोस्तों सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है, मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, और ये जो वॉशिंग मशीन आपको मिलता है इसका बॉडी दोस्तों पूरी तरीके से रस्ट प्रूफ आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वॉश टाइमर देखने को मिलेगा जो कि 15 मिनट तक आप सेट कर सकते हैं, और बजर का भी ऑप्शन मिलता है, तो एक बार टाइम खत्म हो जाने के बाद आपको अलार्म बज जाएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर से आप अपने वॉश को सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कपड़े के लिए डेलिकेट, और जीन्स जैसे कपड़े के लिए आप इंटेंस पे जा करके सेट कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको गंदे पानी को बाहर निकालना होगा तो यहाँ पर से आप ड्रेन सेलेक्टर को ऑन कर सकते हैं, आपके जितने भी गंदे पानी है वो बाहर निकल जाएंगे। और फाइनली जो कंट्रोल आपको मिलता है वो है दोस्तों यहाँ पर स्पिन ड्रायर का टाइम, तो जो कि 5 मिनट तक आप सेट कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर से स्पिन होना शुरू हो जाता है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ड्रायर का आपको बकेट मिलता है उसका यहाँ पर लीड है दोस्तों, इसे आप ओपन करते हैं तो प्रिकॉशंस मेजर एक बार देख लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इनर लीड मिल रहा है जिसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थर्मोकॉल है, तो इसे फिलहाल मैं साइड रख देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसे इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाता है, जो भी आपके वेट क्लोथ है उसको यहाँ पर गीले क्लोथ्स को आप डाल दीजिए, और उसके बाद जो यहाँ पर आपको सेफ्टी कवर मिलता है उसे कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है, और जो भी आपके पानी होंगे आपके क्लोथ के अंदर वो यहाँ पर से आसानी से निकल जाएंगे। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो सिंपली टाइमर को ऑन कीजिएगा दोस्तों, तो इसका स्पिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और सेफ्टी मेजर्स के लिए यहाँ पर अगर इन केस चलते वक्त अगर आप लीड को ओपन कर देते हैं तो इसका जो स्पिनिंग होता है वो स्टॉप हो जाएगा, जो कि अगेन मुझे काफ़ी अच्छी ऑप्शन लगी। एक सेफ्टी मेजर दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों, क्योंकि लगभग 750 RPM के आसपास इसका मोटर घूमता है, तो ये ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 साल की वारंटी ऑन मोटर देखने को मिलता है, जो कि आप स्टिकर पर देख सकते हैं। और लास्टली दोस्तों यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन का वॉश टब का जो लीड है उसे अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो लेफ्ट और राइट की तरफ एक होल्डिंग ग्रिप मिलता है, जहाँ पर दोस्तों आप कुछ इस तरीके से इसे हैंग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है जो कि अगेन काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो फाइनली दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख लिया होगा, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सैमसंग का ही क्यों खरीदा, LG का क्यों नहीं खरीदा, इसके अलावा वर्लपूल का क्यों नहीं खरीदा। तो 2-3 रीज़न है। सबसे पहला तो मुझे डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा लगा। अब ये पर्सनल चॉइस है कि आपको इस तरीके का डिज़ाइन अच्छा लगा या फिर आपको ये कलर अच्छा लगा कि नहीं। मुझे पर्सनली अच्छा लगा, इस वजह से मैंने खरीदा। हालांकि वर्लपूल और LG में भी बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, ये मैं मानता हूँ, बट ये पर्सनल चॉइस होगी। तो डिज़ाइन एक फैक्टर था जिसकी वजह से मैं इसको खरीदा हूँ दोस्तों। इसके अलावा दूसरा फैक्टर आपको मैं बताना चाहूँगा कि बजर का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर आपका वॉश खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक अलार्म बजता है, जो कि LG के मॉडल पर नहीं है। तो मैंने कई सारे LG के बड़े भी हैवी वेरियंट्स भी देखे तो उसमें मुझे बजर का ऑप्शन नहीं मिला, तो ये एक रीज़न बन गया था। और यहाँ पर वर्लपूल का भी मैंने देखा तो वर्लपूल के हायर वेरियंट्स में आपको बजर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन लोअर मॉडल में बजर का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जैसा कि आपने देखा इस पे 4 व्हील्स अलग अलग लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से मैं इसे आसानी से इस तरीके से इधर से उधर कर सकता हूँ। तो ये आपको LG के मॉडल पे नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अलग सा स्टैंड खरीदना होगा, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि वर्लपूल में आपको ऑप्शन मिलता है। तो हालांकि देखा जाए दोस्तों तीनों मॉडल आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तीनों में आपको वॉश अच्छा मिल जाएगा, बट थोड़ा सा डिज़ाइन आपको फैक्टर देखना होगा, और उसके बाद जो छोटे मोटे चीज़ मैंने आपको बताया, बाकी ऑलमोस्ट सबके स्पेसिफिकेशन लगभग एक जैसे हैं। लगभग 1000 के आसपास आपको RPM मिल जाता है, इसके बाद लगभग 350 वाट के आपको तीनों लगभग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस प्रोडक्ट का फुल रिव्यू चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। 1-2 महीने मैं यूज़ करूँगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको इसके फुल रिव्यू में बताऊँगा, क्योंकि यार 2-3 महीने यूज़ करने के बाद डेफिनेटली और भी मुझे कुछ पता चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बाइंग गाइड दे दूँ, जहाँ पर अगर आप जा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉशिंग मशीन से खरीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना।
इतना ही। अगर आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्लपूल और एलजी के भी मॉडल का भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाइए देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो खरीदिए। और अपना ओपिनियन प्लीज यार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना नहीं भूलना। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।